टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी टिकट बुक करने वाली पहली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट भारत के लिए सबसे बड़े पदक उम्मीदवारों में से एक के रूप में उभरी हैं। हाल ही में पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इस दावे को पुख्ता भी कर दिखाया है। 26 वर्षीय विनेश फोगाट का इस साल का यह तीसरा मेडल था। इससे पहले उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। विनेश ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अपना ओलंपिक स्थान पक्का किया और साथ ही कांस्य पदक जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। विनेश फोगाट 2016 के रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी लेकिन आगे बढ़ने में असफल रहीं क्योंकि चीन की सुन यानान के खिलाफ मैच के दौरान उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया था और वे आगे के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकी थी। साल 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से उन्होंने कुश्ती के करियर की शुरुआत की। बचपन में जमीन विवाद की वजह से उनके पिता की हत्या हो गई थी। विनेश ने अपने चचेरी बहनों के साथ ही पहलवानी के गुर सीखे हैं।